देश के गद्दारों को फांसी दो, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। आज जम्मू संभाग के पलवाल ब्लॉक में हम पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह को इंचार्ज हैं पूरे जम्मू कश्मीर के धार्मिक और सामाजिक संगठन के, और साफ तौर पर आज प्रदर्शन करने पर आए हैं, क्योंकि जो राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी जो कि कन्हैया लाल जिनका नाम है साहू, उनको समर्थन वो समर्थन में आए थे नपुर शर्मा के, और साफ तौर पर उन्होंने उनको जब धमकियाँ मिली उसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी गए, एप्लीकेशंस भी दी और सिक्योरिटी की मांग की कि मुझे मेरे को सुरक्षा दी जाए, मगर वो सुरक्षा नहीं मिली और कोई शरारती तत्व ऐसे आए जिन्होंने उनके गले को रेत कर उनकी हत्या कर दी। इसी सिलसिले में आज बात करेंगे। बाबा चंचल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका वॉइस ऑफ भारत में स्वागत है। नमस्कार जी। क्या कहेंगे ऐसे शरारती तत्व जो भी किसी के समर्थन में आता है तो उसको मार देते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि देश के जो गद्दार हैं ऐसे लोगों को चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जो कि हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा खराब करना चाहते हैं ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने कन्हैया जी की हत्या की है ऐसे लोगों को जेल में बंद करना बड़ी दूर की बात है, चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देते हैं, जिस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं बाल बांका हुआ तो ये भूल जाए देश के गिरदार, चुन चुन के इन गिरदारों को मारा जाएगा, इन गिरदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। जे अपने भारत में आग लगाना चाहते हैं जो कि मुट्ठी भर जो लोग हैं पाकिस्तान के सपोर्टर, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 130 करोड़ बादी साथ खड़ी है, तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं देश के गद्दारों को चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, यह मेरा बयान है। मगर उनकी उनकी जो सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस के पास गए थे तो सुरक्षा नहीं दी, क्या वजह होगी कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई उनको? जो भी कोई बात होगी वो पुलिस जाने, वहाँ की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि कन्हैया लाल जी की जिन्होंने हत्या की है मैं उनके लिए चौक में खड़ा करके की मांग करता हूँ, उस चौक में खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, फिर ऐसा जुल्म कोई ना करे, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। यह देश के गिरदार हैं, देश के गिरदारों को एक सवाल और है कि जो ये शरारती तत्व हैं ये एक गुलदस्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी आपने पिछले दिनों दिखा नूपुर भाई नूपर मैं ये कहता हूँ हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं, जो कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा खराब जो करने वाले जो लोग हैं, जो कि जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं वो ही अपने भारत को जलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं आज अपने मुसलमान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो जो कि कन्हैया जी की हत्या की है, आज ये हत्या किसने की है? उस दौरान नुकुल शर्मा जी ने जो बयान दिए थे उस बयान पर कई देश जो थे वो बरक उठे थे, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं आज कन्हैया जी को लाल किया गया, उसकी हत्या की गई, आज किसी दूसरे देशों की आवाज क्यों नहीं बाहर आ रही? आई पूछना चाहिए ऐसे देश के गद्दारों को क्यों लाल किया उसको कन्हैया जी की जो हत्या की है, इसकी इस पर बोलना चाहिए, आवाज निकालनी चाहिए, मुसलमान लीडरों ने आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बाबा चंचल सिंह और इनके साथ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं सनातन धर्म फाउंडेशन के प्रधान हैं और संघ से भी बिलोंग रखते हैं सतपाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। बाबा चंचल सिंह ने साफ तौर पर बयान दे दिया, अब आप क्या कहते हैं कि कोई भी समर्थन में आएगा नपुर शर्मा के तो मतलब उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाएगी? देखिए, ये जो भारत है वही गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते के अंदर, क्योंकि गुलदस्ता तब बनता है जब तरह तरह के फूल बीच में हो तो गुलदस्ता बनता है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और हर तरह का व्यक्ति जो है वहाँ रहता है और हर हाल में कुछ रहता है, भाईचारे के साथ रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पाकिस्तान के खरीदे हुए गुलाम, खरीदे हुए लोग जो हैं वह उस गुलदस्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जैसे कि उदयपुर के अंदर एक टेलर मास्टर, उसको 15 दिन पहले एक चैलेंज आया था, एक उसको धमकी दी गई थी
क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के हक में बोला था, तो उसने डिमांड की थी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे खतरा है। लेकिन वहाँ की सरकार, उसने उसकी कोई परवाह ना करते हुए उसका, जब उसने अपनी दुकान खोली तो दो लोग, एक गोश मोहम्मद और मोहम्मद रियाज नाम के दाढ़ी वाले दो लड़के वहाँ पर आए, उनसे अपनी शर्ट सिलाने के लिए बोला। वो जब उसका नाप लेने लगा तो दूसरे ने गया उसकी गर्दन को काटा, और काटने के बाद उसकी गर्दन जो है सड़क के ऊपर फेंकी और उसका हाथ भी काटा। ये कितनी जघन्य अपराध है। और हमारी जो सरकार है वहाँ की, राजस्थान के अंदर की, वो सोई हुई है। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसकी बड़ी से बड़ी सजा दे, क्योंकि दोनों पकड़े जा चुके हैं, दोनों ये अपराधी जो हैं ये पकड़े जा चुके हैं और इस टाइम गिरफ्तार हैं, और कहीं ना कहीं रिमांड पर भी उनको लिया गया है। अब आपकी तरफ से क्या मांग है कि उनको क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे हत्यारों की? देखिए, उनको ऐसे सजा होनी चाहिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। ऐसा कोई कार्य करने से पहले वो हज़ार बार सोचे कि मेरा भी अंजाम यही होगा। और क्यों कि आज अगर उनको हवालात में भेजा, इंटरोगेशन में भेजा, तो कल आने वाले कल को वो फिर जमानत से छूट जाएंगे, या वैसे ही लंबी उम्र तक बैठे रहेंगे वहाँ। और हमारे सरकार जो है उन पर इन कैदियों का बोझ पड़ता है। क्यों कि मैं भी इमरजेंसी में 22 महीने जेल में रह चुका हूँ। मैंने देखा है वहाँ जो उग्रवादी थे उनके साथ क्या व्यवहार होता था। उनके साथ हर तरह की सहूलत उनको दी जाती है, वो सरकार पर उसका बोझ पड़ता है। ऐसे लोगों को जेल में ना भेजकर इनको चौक पे खड़े होकर के फांसी देनी चाहिए, उल्टा लटका कर, ताकि दूसरे व्यक्ति जो हैं उसका बात को समझें। और ये साफ तौर पर बाबा चंचल सिंह और सतपाल जी के बयान हैं यहाँ पर। ये कन्हैया लाल साहू की जो हत्या कर दी गई गला रेत कर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बयान आया है कि उसको फांसी होनी चाहिए। जो देश के गद्दार हैं, जो के देश के शरारती तत्व हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की मांग कर रहे हैं यहाँ साफ तौर पर। ये जम्मू से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था वॉइस ऑफ भारत के माध्यम से। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनीत कारलू की विशेष रिपोर्ट वॉइस ऑफ भारत के लिए।